जय हिंद साथियों, न्यूमेरिकल दूसरा देख लेते हैं जो कि एग्जाम्पल टू है वेव ऑप्टिक्स का। पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये बोल दिया था कि ये टर्म वन के लिए है, सॉरी फॉर दैट, ये टर्म टू के लिए है क्योंकि वेव ऑप्टिक जो है ये टर्म टू के लिए है सीबीएसई और आईएससी के अंदर। तो मैं माफी चाहता हूं कि मैंने पिछली वाली वीडियो एग्जाम्पल वन के अंदर टर्म वन बोल दिया था। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमसे क्या कह रहा है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपको बता रखा न्यूमेरिकल सबसे आसान होते हैं, बस हमको समझ आनी चाहिए कि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किस तरह से करना है। बिल्कुल टफ नहीं है, जैसा कह रहा है ना बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। हमसे कह रहा है एग्जांपल टू के अंदर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47। मैं आपको एक साथ में एक छोटी सी बात बता दूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है ना वो लाइट को बैंड उतना ही ज्यादा करता है। सॉरी यहां पर इस तरह से एरो बनते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा ना मीडियम का, वो लाइट को उतना ही ज्यादा बैंड करेगा। और दूसरी बात, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है ना उतनी ही कम होती चली जाती है। ये वाली बात भी है। तो हमसे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, देखिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है 2.47 है, और साथ में विंडो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा जिसकी वैल्यू है 1.51। हमसे कह रहा हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन विंडो ग्लास देन इन डायमंड। हमसे पूछ रहा है कि विंडो ग्लास के अंदर लाइट कितनी ज्यादा तेज चलेगी डायमंड के मुकाबले। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंस क्या थी कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी उस मीडियम के अंदर। तो जाहिर सी बात है डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम आनी चाहिए और विंडो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा आनी चाहिए। तो वो यही पूछ रहा है कि विंडो ग्लास में कितनी ज्यादा आएगी। तो एक काम कर लेते हैं, मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल वन के अंदर एक सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था। मैंने ये कहा था कि जिस मीडियम में आपको स्पीड ऑफ लाइट चाहिए तो आप एयर वाली स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। सिंपल सा फंडा। तो हम यही कर लेते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास, जो विंडो ग्लास है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। एयर के रिस्पेक्ट में हम ये चेक कर लेते हैं कि डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, फिर इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, हमारा आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि विंडो ग्लास के अंदर कितनी स्पीड ऑफ लाइट है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, विंडो ग्लास के अंदर मैं ग्लास वीजी दिखा देता हूं, तो मैं ये दिखाऊंगा कि सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो C कितना 3×10^8 होता है, ये आपको रटा हुआ है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.51। अब देखिए अगर 1.5 होता तो वैल्यू 2 आ जाती ऊपर, लेकिन 1.51 है तो यहां पर थोड़ा सा वैल्यू 2 से कम आ जाएगी। तो वैल्यू सॉल्व होने के बाद यहां पर जो वैल्यू आई है वो है 1.987। देखिएगा 1.987×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये थोड़ा सा ही आपको समझ लेना है, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो ये स्पीड ऑफ लाइट आई है ग्लास के अंदर। इसी तरह से मैं अब डायमंड के अंदर चेक करूंगा, और ये आपको अच्छे से पता है डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इससे भी ज्यादा कम आएगी क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा। तो मैं यहां पर चेक कर लेता हूं कि डायमंड के अंदर, डायमंड को मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, डायमंड के अंदर को रेड है। देखिएगा सी को डिवाइड करना है डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहां पर दे रखा है। पहले सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 3×10^8 मीटर पर सेकंड, जबकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.47 है। अब देखिएगा 3 को डिवाइड करेंगे 2.47 से तो वैल्यू जो निकल कर आने वाली है वो है ये 1.215×10^8 मीटर पर सेकेंड। यहां पर ये क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास जो स्पीड ऑफ लाइट आई है वो डायमंड के अंदर आई है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था तो स्पीड कम आई, और यहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के मुकाबले कम था तो यहां पर स्पीड थोड़ी ज्यादा आई है। तो बस इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कितनी ज्यादा ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो देख लेते हैं, वी जी में से माइनस कर देते हैं वी डी को, ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको माइनस, उसमें से माइनस कर देते हैं डायमंड वाली को, तो डायमंड वाली कितनी है 1.215, और 10^8 जो है इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 7.5
7 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, इतना फर्क आएगा। गिलास के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा तेज चलेगी स्पीड ऑफ लाइट एज कंपेयर टू डायमंड। तो बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है वो इस छोटे से फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व किया गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन रेड बटन को दबा करके होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।